हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपकी डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम। आपका जो कोलाइडल निकाय है उससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं आज अपने इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। देखिए, आपके एग्जाम के हिसाब से अगर आप बात करें तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत बार रेज किया जाता है, बहुत बार इससे सवाल पूछा जाता है, चाहे वो इसकी कोलाइडल की डेफिनेशन से रिलेटेड हो या फिर इसके एग्जांपल से। तो आज अपने इसमें एग्जांपल्स की बात करेंगे। देखिए, अपन ने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था आपकी कि जो आपका सोने का कह दें कि भी गोल्ड सोल कह दें, उसकी अपन ने बात की थी कि भाई आपके जो आपके बात करें कि सोने का है, सोने के कण हैं वो अपन ने क्या किए थे, जल के अंदर है उसका एक जो सोल आपके सोल विलियन कह दें वो बनाया था, उसी से जो अपन है अपने एग्जांपल है वो अपने डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे उसमें कि भाई परिक्षिप्तावस्था, परिक्षेपण माध्यम, आपकी कोलाइड का प्रकार और फिर इसमें एग्जांपल। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि भी ये कोई आपका पात्र है और इसमें अपन ने क्या किए, जो आपके मेटल है गोल्ड, ये कह दें और या सोना कह दें, इस सोने के कणों को अपन ने क्या किया है आपके किस विलयन में घोला है, पानी के विलयन में। अब यहां पर बात करें कि भाई जो इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे कि आपके परिक्षिप्तावस्था, तो यहां पर कल इसके डेफिनेशन रिलेटेड अपन बात कर चुके थे, आज अपन इसमें सीधा बताएंगे। तो यहां पर क्या कहेंगे कि परिक्षिप्तावस्था किसकी है, जो सोने के कण है। तो यहां पर क्या कह देंगे, सोने के कण, या फिर अपन यहां पर इसको किस रूप में ले सकते हैं, विलय के रूप में। ठीक है, अब दूसरा सुनना है परिक्षेपण माध्यम। तो यहां पर ये चीज मतलब अब यहां पर अपन बात करेंगे कि किसमें क्या है, कह देंगे जल के विलयन में है, यहां पर ये किस रूप में है, विलायक के रूप में। ठीक है, विलायक के रूप में। और यहां पर क्या कर दिया जाता है, परिक्षिप्तावस्था और परिक्षेपण माध्यम द्वारा अपन यहां पर बता सकते हैं कि इसका ये जो सोल विलयन है अपन ने तैयार किया। ठीक है, कि भाई द्रव अवस्था है और अपन कह दें कि परिक्षेपण माध्यम है और सोना आपका परिक्षिप्तावस्था है, तो यहां पर किसका निर्माण हो जाता है, गोल्ड सोल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब अपन ने छोटे मोटे जो आपके बात की थी कि भी अगर जल का विलयन है हाइड्रोसोल है, आपके अगर बात करें आपके एल्कोहल का विलयन है तो आपके अपन एक चीज एल्कोसोल बोलेंगे, बेंजीन का विलयन है बेंजोसोल बोलेंगे, या फिर कोई ऑर्गेनिक पदार्थ का भी है तो उसके ऑर्गेनिक ऑर्गेनोसोल जो विलयन है वो बताएंगे। ठीक है, लेकिन आज अपने इस वीडियो में अब जो है एक टेबल से इस चीज को समझेंगे कि भी परिक्षेपतावस्था क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या है, आपका जो निकाय है कोलाइड विलयन उसकी बात करेंगे कौन सा है, और फिर बात करेंगे इसके एग्जांपल्स। और ध्यान रहे, यहीं से आपका अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन के अंदर जो आज अपन टेबल बना रहे हैं इस टेबल से ही सवाल पूछा जाता है, और एग्जाम में तो एग्जाम के अंदर आपके जो सोना है या फिर कह दें इस टेबल से भी बहुत बार सवाल पूछे गए। तो यहाँ पर अपन इस चीज को एक टेबल से समझेंगे और सारे अगर अपन बात करें तो क्या बताया गया है कि इस तरह के जो कोलाइड विलयन बनाए जा रहे हैं, कोलाइड विलयन के लिए क्या बताया गया है कि आपके अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था के आधार पर आप जो 8 प्रकार के जो कोलाइड विलयन हैं वो यहां पर अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन
ये आपकी क्रम संख्या लिख दी और सबसे पहले दे परिशिष्ट प्रावस्था, ठीक है, पहली कौन सी होगी आपकी परिशिष्ट प्रावस्था। दूसरा लिखते परिक्षेपण माध्यम, फिर बता दें कि भी कोलाइडी निकाय का नाम और लास्ट यहां पर लगेंगे इसके उदाहरण, ठीक है। अब यहां पर ये चीज समझ में आपको, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला अपन एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है कि यहां पर जो पहली चीज आएगी आपकी एक नंबर में अपन बात करें तो यहां पर मैंने परिचित प्रावस्था ली आपकी गैस, ठीक है, और परिक्षेपण माध्यम लिया आपका दर, ठीक है। अब इसके द्वारा जो निकाय तैयार किया जाएगा वो कौन सा है, तो यहां पर कोलाइड निकाय जो तैयार किया जा रहा है झाग मतलब फोक या फिर कह दें फ्रेम, ये भी इसी तरह का आपकी स्थिति होती है। तो एक हो गया झाग और उसका एक हो गया फ्रेम, ठीक है। अब इसमें उदाहरण समझना है, एक तो झाग से पता चल रहा है तो यहां पर कह दें कि भाई साबुन के झाग, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेम, तो यहाँ पर जो आपकी आपकी फेनिश क्रीम आती है या कहते आपकी फेनिक क्रीम है, ठीक है, और आप और कोई क्रीम जोड़ो तो शेविंग क्रीम भी बोल सकते हो, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले कि परिशिष्ट प्रावस्था क्या है, गैस, कि भाई अपन ने किसी विलयन के अंदर या जो द्रव है परिक्षेपण माध्यम इसमें अपन ने क्या कि गैस को विलय किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न होते हैं झाग, जैसे अपन अपन साबुन लगाते हैं तो झाग उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर विलयन भी है और आपके जो गैस के कण है वो भी इसमें मौजूद होते हैं। वैसे शेविंग क्रीम के अंदर भी वही चीज देखने को मिलती है, तो आपका ये जो विलयन है अपने कह दें झाग विलयन कह दें या फिर फेन कह दें, ये इसके द्वारा निकाय है वो तैयार किया जाता है। तो ये पहला हो गया इसमें इससे रिलेटेड आपका साबुन के रूप में या झाग जो बनाए जा रहे हैं उसमें। अब दूसरा समझा है, गैस है वो क्या है परिशिष्ट प्रावस्था, मतलब यहां पर ये ध्यान रखना है ये कम मात्रा में है ये ज्यादा मात्रा में है, बस इतना ही। ठोस, ठीक है, यहां पर लिख दें ठोस फेन, निकाय कौन सा हो गया ठोस फेन। अब यहां पर एक चीज समझनी है कि इसके लिए एग्जांपल, तो एग्जांपल पहला दे रखा है जावा पत्थर। अब देखिए जावा पत्थर क्या होता है, ये एक ऐसा पत्थर होता है जिसमें जैसे अपन क्या करते हैं कि भाई इसमें पानी डालते हैं तो इससे क्या है कि इस पत्थर से क्या होता है बुलबुलों के रूप में क्या है आपकी गैस बाहर निकलती है और ये क्या करता है ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करता है पानी का। तो ये जो पत्थर होता है इसे जावा पत्थर के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें है रबर स्टाइरीन फोम जो आपका जेक गैस के रूप में होता है, इसके अलावा बात करें आपका ब्रेड कोर केक और सूखे समुद्री जो है आपके झाग, सूखे समुद्री
आप यहाँ पे कोक लिख सकते हो, केक भी लिख सकते हो, केक में भी गैसी को मिश्रण उसी का आपका होता है। तो ये था कि सेकंड, ठीक है। अब तीसरा सुनना, तीसरा है आपके द्रव और गैस का। देखिए यहाँ पर अपन अगर बात करते हैं तो यहाँ पर खास नाम हमें लग जाएंगे। अपन ने किसकी बात की, द्रव और गैस, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं भी कि भाई यहाँ पर अपन का जो इकाई है वो कौन सा होगा, द्रव। अब देखो गैस ली है तो गैस को अपन बोल देंगे एरोसोल। अब देखिए इसलिए लिखा गया है कि कुछ खास विशेष दिखाने के लिए होता है। अभी यहाँ पर ज्यादा क्या है, अपन ने कल एयर की तो बात की थी तो एरोसोल हो गया। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या बादल, फिर बात करें कोहरा, ठीक है, इसमें द्रव के कण होते हैं, ठीक है, और बाकी गैस रूप में फोग है वो चलता रहता है, ठीक है। और इसी अलावा आपकी जो कीटनाशक दवाइयां, क्या आपकी कीटनाशक दवाइयां, उसमें भी आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका फोग हो गया, ये आपकी कीटनाशक दवाई होगी, कोहरा कहते हैं, बादल कहते हैं। इन सब में आपका कौन सा निकाय पाएगा, द्रव, एरोसोल। एरोसोल क्यों है, क्योंकि एयर क्या लेंगे, परिक्षेपण माध्यम। इसके अलावा बात करते हैं चौथा सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर चौथा सिस्टम है द्रव, द्रव अब द्रव सोल भी बोल सकते हो, पाइस बोल सकते हो, इमल्सन बोल सकते हो। अब ध्यान रखना ये जो खास है इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा गया, पाइस या फिर इमल्सन, कि भाई इसमें एक तो पूछता है परिक्षेप प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम या फिर इसके एग्जाम्पल, कोई एक पूछेगा। तो यहां पर लिख दें एक तो दो, ठीक है, पाइसिकृत तेल और इसके अलावा बात करें तो बालों की जो क्रीम आती है वो ठीक है। कभी दूध, पाई सिगरेट और बालों की जो क्रीम है वो अपन यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। पाई सिगरेट तेल हो गया, दूध हो गया और बालों की क्रीम। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि भी क्या होता है, इस तरह से इसमें होता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं आपका पांचवा सिस्टम, पांचवा सिस्टम है द्रव और ठोस। परिक्षेपण अवस्था कैसी है, द्रव है, परिक्षेपण माध्यम ठोस। अब यहां पर बात करते हैं कि भाई आपका जो निकाय है वो किस तरह से होगा, तो बात करें जेल, या तो जेल रूप में हो या फिर कह दें ठोस पाइस, ठोस पाइस। अब यहां पर इसको चीज समझना है, जैसे एक तो नाम आ गया जेल, एग्जांपल आ गया आपका जेल, दूसरा है आपका पनीर, कि पनीर आपको ठोस रूप में मिलता है लेकिन वो कुछ लसलसा सा होता है, ठीक है। इसी तरह से बात करें मक्खन, दही, ये अपन बात करें इसी तरह के एग्जाम्पल है, बूट पॉलिश भी है, ठीक है। ये इसमें एग्जाम्पल है आपके जो आपकी इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आपको समझना है नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका दे रखा है ठोस गैस, कौन सा सिस्टम दे रखा है, ठोस गैस। ये आपका ठोस जो कम मात्रा में है, परिक्षिप्त अवस्था में है, और यहां पर आपका है गैस। अब यहां पर चीज समझना है, इसको ठोस एरोसोल, देखिए द्रव एरोसोल बोला था, अब ठोस आएगा,
ठोस आ गया, ठोस एरोसोल। देखिए अगर यहाँ पर जनरल एग्जांपल्स की बात करें तो ठोस एरोसोल का तो बहुत इजी है, जैसे आपका हो गया धुआं, धुएं में क्या है ठोस के कण कम है और हवा ज्यादा है। धूल के कण, आंधी, यहां पर तो अपन ने पहले से देख रहे हैं, और बात करें अपन हवा में फायर, जैसे मान लो आपके जो आपके गुब्बार उठता है आपकी कहीं पे विस्फोट होने पर, उसमें भी इसी तरह का कि वो क्या होता है गैस का और ठोस का मिश्रण होता है। ठीक है, ये हो गया आपका छठा सिस्टम। तो ये इसमें आपको स्टेप वाइज थोड़ा ध्यान रखना है, जहां पर इंपोर्टेंट है वहां पर ध्यान रखना है, एक ही होगा क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। अब सुनना अगला सिस्टम, इसमें देखिए आपकी इंपोर्टेंट अपन ने डिस्कस किए हैं, आप अपनी तरफ से और भी देखेंगे कि भी कौन कौन से और हैं। सातवां सिस्टम सुनते हैं, सातवां सिस्टम में अपन बात करें तो ठोस द्रव सिस्टम में, ठोस ये आपका और ये आपका किस रूप में है द्रव रूप में। ठीक है, और ये जनरली किस रूप में रहता है द्रव है वो ज्यादा पाया जाता है, जैसे आपका अभी बात करें पहला हो गया गोल्ड सोल, और यहीं पे स्टार्ट हो गया। यहाँ गोल्ड सोल के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये किस तरह का सिस्टम होता है, परिचित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम क्या क्या होते हैं उसके बारे में ये पूछा जाता है सबसे पहला। इसके बाद जितने भी धातुओं के विलयन हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड है, आपके आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे इसमें क्या है कण है वो तो कम और आपका जो विलयन है वो ज्यादा, मतलब परिक्षेपण माध्यम ज्यादा मिलेगा। स्याही तो इसमें भी वही है। ठीक है, और इसके अलावा कीचड़ है, आपके गोंद है, स्टार्च भी है। हाँ, इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है, स्टार्च विलयन और एक और लिखिए गोंद, यहाँ पर स्टार्च विलयन भी है, इसके बारे में भी वो है पूछा जा सकता है। तो ये आपके सात सिस्टम हो गए कि जिसमें अपन ने परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम है वो अपन ने डिस्कस किया, और लास्ट बात करते हैं आपकी ठोस ठोस का, तो इसे अपन क्या बोलेंगे ठोस सो, क्या बोलेंगे इसको ठोस सो। अब यहां पर बात करते हैं कि भी इसके एग्जांपल, तो एक तो रूबी काज, मोती, और आपकी किसी तरह के विकास ले सकते हैं इसमें। ठीक है, और खनिज पत्थर है, दूधिया पत्थर है, मिश्र धातुएं हैं, ये इसके एग्जांपल थे। तो यहां पर देखिए बेसिकली ये टेबल इसलिए बनाई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से भी बात करें या फिर किसी सिस्टम को पूछेंगे तब भी ये क्या कहेंगे कि भाई जो आपका आपका निकाय है वो किसी एक में से लिख देंगे, और खास कर इनमें ध्यान रखना है तीनों में कि भाई सोल का कोई आपका निकाय है वो दे देंगे कि सोल है, और इसमें बताइए कि भी परिचित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम क्या क्या पाया जाता है एक्सप्लेन कीजिए। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके आपके जो कोलाइडल सिस्टम है उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने लें धन्यवाद।